हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम यहाँ पर भाई 90 एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे। और ये कौन सी क्लास के हमारे ये हैं, ये हमारे होंगे क्लास 12th के। कल जैसा कि हमने क्लास 11th के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, आज हम यहाँ पर क्लास 12th के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मुझे वॉइस और वीडियो के बारे में बता दो। क्लास ट्वेल्थ की बायोलॉजी देखो, यहाँ पर हमारे पास 16 चैप्टर है। और अगर मैं नीट 2020 की बात करूँ तो क्लास 12th की बायोलॉजी से हमारे पास भाई 43 क्वेश्चन आए थे। तो तुम लगभग बराबर मान के चलो क्लास 11th और 12th को। बस 12th में तुम्हारे चैप्टर थोड़े कम है, 11th में ज्यादा, इसलिए दो तीन क्वेश्चन का वेरिएशन रहता है। और इम्पोर्टेंट हमारे लिए सारी है, क्योंकि सर हमें तो हमारा टारगेट ही क्या है, हमारा टारगेट सर कम से कम हमें 330 प्लस मार्क्स करना है स्कोर। और इस स्कोर के लिए तो सर हमें एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, दोनों ही बायोलॉजी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे जल्दी से बता दो वॉइस और वीडियो के बारे में, क्या वॉइस और वीडियो क्लियर है, हाँ या ना? हाँ या ना में इस बात का जवाब दिया जाए भाई, क्या वॉइस और वीडियो क्लियर है, यस और नो सर? मॉक टेस्ट है तुम्हारा ये क्लास 12th बायोलॉजी का, फटाफट से सारे फ्यूचर डॉक्टर ज्वाइन करेंगे और जल्दी से मुझे वॉइस और वीडियो के बारे में बता देंगे सर। फटाफट से सारे फ्यूचर डॉक्टर जल्दी जल्दी ज्वाइन करो भाई, बिना समय लिए। और मुझे बता दो वॉइस और वीडियो के बारे में, क्या वॉइस और वीडियो बिल्कुल क्लियर है, या आपको बिल्कुल भी समस्या आ रही है इसमें? नहीं आ रही समस्या, काफी ज्यादा अच्छी बात है सर। ये समस्या वैसे भी हमें आनी नहीं चाहिए, दिक्कत परेशानी समस्याओं से तो वैसे भी हमें सर थोड़ा सा क्या बहुत सारा है, दूर रहना है। नो दिक्कत, नो परेशानी, नो समस्या। क्या मैं यहाँ पर स्टार्ट कर सकता हूँ? एक बार मैं चेक कर लूँ कौन कौन ज्वाइन कर चुका है हमें। हेलो रमिता, वर्षा, फहीम फरीदी, संस्कार, देन सक्षम, वर्षा रानी, सक्षम वाजपेयी, प्रणाम भाई, प्रणाम सक्षम। वॉइस और वीडियो क्लियर, इसका मतलब क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ सर वॉइस और वीडियो क्लियर है दोनों में, कोई दिक्कत बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ओके 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 सर, तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, जल्दी से स्टार्ट किया जाए भाई, फटाफट से किया जाए स्टार्ट। ओके 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 स्टार्ट करते हैं, आप लोग ज्वाइन करो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ, लिंक शेयर की जा सकती है। हेलो वर्षा, यहाँ पर देखो मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूँ, यहाँ लिख तो दिया है मैंने विकास जहांगीर, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ। माई सेल्फ इज विकास जहांगीर, करंटली आई एम थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। बायोलॉजी में मेरे भाई 316 मार्क्स थे, कब, जब मैंने एग्जाम दिया था, मेरा जमाना कब था, 2017 का। मैं क्या चाहता हूँ तुम्हारे भाई बायोलॉजी में 330 प्लस मार्क्स आए, इसलिए मैं यहाँ पर NCERT के लाइन टू लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हेलो शिवम, और मेरा रेफरल कोड है विकास जहांगीर लाइव, इससे आपको 10% का ऑफ मिलेगा और साथ में मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। और भाई करें स्टार्ट जल्दी से, यस सर। फीचर देखो अकेडमी का क्या फीचर है, लर्न लाइव फ्रॉम द कम्फर्ट योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट बेस्ड कोर्स, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, सिलेबस कंप्लीशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा PDF के फॉर्मेट में। हेलो शिवम, प्लस और आइकोनिक में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी है, पहले सिमिलरिटी देखते हैं। प्लस आइकोनिक में सर इंडिया आज बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज, स्ट्रक्चर कोर्स एंड PDF, लाइव टेस्ट और क्विज। आइकोनिक में क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, पर्सनल कोच, स्टडी प्लान और एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस, एनरोल किया जा सकता है सर। इसके बाद देखो ये तुम्हारा 1, 3, 6, 12, 24 मंथ का प्लान है, प्लस आइकोनिक दोनों का। 10% ऑफ के लिए आपको कोड यूज करना है क्या, विकास जहांगीर लाइव। फिर बम्पर ऑफर, 5 मई से तुम्हारे कुछ बैच स्टार्ट हुए हैं, 12 मंथ के पे आपको देखो यहाँ पर 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर आपको 4 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। प्रतीक जैन सर, अजय कुमार मिश्रा सर, शुभकरण चौधरी सर, अमित गुप्ता सर, संदीप नोडिया सर, रमेश सर सर पढ़ाएंगे आप लोग को यहाँ पर। इसके बाद बेस क्लास 12th, यस क्लास 12th के लिए एक और बेस तुम्हारा है, जहाँ पर अनमोल शर्मा सर, शरद चंद्रा सर और गरिमा वर्मा मैम पढ़ाएंगे आपको। गुड इवनिंग तैयबा, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अगर आपको चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंस 22-23 प्रिपेयरिंग स्टूडेंट को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म फिलअप करना होगा एक, फिर आपके पास भाई आपके पास पूरे तरीके आपको बता दिए जाएंगे कैसे कैसे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है। 1, 3, 6, 12 and 24 विकास जहांगीर लाइव, यही हमारा क्विज कोड है। चैंप तुम्हारा हो चुका है आज, किस किसने दिया था चैंप, किस किसने अकेडमी चैंप दिया था भाई। और कॉम्बैक्ट भी हमारा संडे को होता है, टॉप 3 100% और 150 के यहाँ पर एडिशनल डिस्काउंट मिलते हैं। करते हैं स्टार्ट, पहला क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा भाई, करो इसका जवाब जल्दी से, क्या आएगा सर। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग आउट टू द अदर जियोग्राफी, क्या इसका जवाब है। मैं टाइप ऑफ इवोल्यूशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन पूछ रहा हूँ। वेरी गुड संस्कार, मैं यहाँ पर क्या पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, मैं पूछ रहा हूँ आपसे यहाँ पर
प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन नॉट टाइप ऑफ इवोल्यूशन सर, है ना, समझ पा रहे हो दोनों में क्या अंतर रहता है, दोनों में अंतर क्या रहता है, समझ पा रहे हो क्या? वेरी गुड संस्कार, तैयबा, फहीम, रमिता, शिवम, वर्षा, वेरी गुड कुसुम, एक बार आंसर चेक कर लो अपना। देखो टाइप ऑफ इवोल्यूशन क्या है तुम्हारा, ये डाइवर्जेंट है, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूं यहाँ पर, प्रोसेस, प्रोसेस क्या होगा तुम्हारा, अडेप्टिव रेडिएशन, यस धर्मशीला, सक्षम वाजपेयी। अगला सवाल हमारा, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट टू द एग्जाम्पल और इवोल्यूशन, इनकरेक्ट मैच बताना है एग्जाम्पल और इवोल्यूशन से रिलेटेड। यहाँ पर फोर लिंब ऑफ मैमल्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट डाइवर्जेंट, स्टिंग ऑफ द हनीबी एंड स्कॉर्पियन कन्वर्जेंट, फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्या करोगे मेरे इस सिंपल से सवाल का जवाब? सबको दिख रहा है क्लियरली, सबको दिख रहा है किसके लिए, ब्लर तो नहीं हो गया भाई ये, ब्लर हो गया है क्या, बताओ जल्दी से सर, दिख रहा है सभी को क्लियरली, क्या आ गया इसका जवाब फिर हमारा? फॉर लिंब ऑफ मैमल्स बिल्कुल सही बात है, कॉमन ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट कॉमन ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, स्टिंग ऑफ हनी बी स्कॉर्पियन, देखो यहाँ पर क्या है डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन, लेकिन फ्लिपर ऑफ डॉल एंड वेल्फिन तुम्हारा क्या होगा डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन, तो ये डाइवर्जेंट नहीं क्या होना चाहिए था यहाँ पर, ये हमारा कन्वर्जेंट होना चाहिए था, नॉट डाइवर्जेंट सर, ये हमारा क्या होना चाहिए था, ये हमारा होना चाहिए था कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यस शिवम बिल्कुल सही किया आपने, सक्षम, तैयबा, रमिता, संस्कार, वेरी 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 गुड। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर थर्ड, आर्कियोप्टेरिक्स शो ओरिजिन ऑफ, आर्कियोप्टेरिक्स आपका क्या दिखा रहा है, किसका ओरिजिन किससे, किसका ओरिजिन किससे दिखा रहा है ये हमारा आर्कियोप्टेरिस, बड़ा सा था उड़ना चाहता था, है ना, बड़ा सा था उड़ना चाहता था सर, किसका ओरिजिन दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में आर्कियोप्टेरिस हमारा, बता दो जल्दी से फटाफट से बता दो इसका आंसर, थर्ड में क्या जाएगा आंसर सर, थर्ड में क्या जाना चाहिए आंसर, बताओ इसका जवाब जल्दी से, आर्कियोप्टेरिक्स, बर्ड फ्रॉम रेप्टाइल, मैमल फ्रॉम रेप्टाइल, रेप्टाइल फ्रॉम एम्फीबियन, या फिर बर्ड फ्रॉम एम्फीबियन, मुझे क्या लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है आंसर, मेन बात ये भी है, थर्ड का देखते हैं भाई। वेरी गुड धर्मशीला, संस्कार, वर्षा, वर्षा, तैयबा, फहीम, शिवम, रमिता, आशू जी सही करो आंसर, बर्ड फ्रॉम रेप्टाइल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द टू की कंसेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, अगर ये आपको याद नहीं तो याद कर लोगे, डार्विन साहब की जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थी उसके दो की कंसेप्ट क्या थे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये है, एम टी आर करोगे मुझे तो रटो, वेरी गुड सक्षम, करो मेरे सवाल का जवाब क्वेश्चन नंबर फोर का, एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं हम यहाँ पर प्रैक्टिस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ओवर प्रोडक्शन, ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, क्या जाना चाहिए इसका जवाब आपके अकॉर्डिंग भाई, फिर डॉक्टर जल्दी से बताओ मुझे, फोर का, वेरी गुड धर्मशीला, फहीम, संस्कार, सक्षम सही करो भाई, किसका आंसर कर रहे हो तुम ये, ओके शिवम, तैयबा, रमिता, आशू, वर्षा, फहीम सर बिल्कुल सही, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन दो की कंसेप्ट थे हमारे डार्विन साहब की थ्योरी के। आंसर तुम्हें कैसे करना है, पहले क्वेश्चन का नंबर लिखना है और उसके बाद आंसर करना होता है। क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन, अडेप्टिव रेडिएशन का क्या है क्लासिकल एग्जाम्पल, यहाँ पर करो आंसर, अगर इसका आंसर ए है तो ए लिखो, बी है तो बी लिखो, सी है तो सी लिखो, डी है तो डी लिखो, अपने अकॉर्डिंग करो आंसर, क्या जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव का, क्या पूछना चाह रहे हैं मैं आपसे, आपसे क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन सर, अडेप्टिव रेडिएशन के क्लासिकल एग्जाम्पल आपको बताना है यहाँ पर, डार्विन फिंचेज, मार्सुपियल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड करो सही आंसर जल्दी से, क्या जाएगा इसका जवाब, यस संस्कार, वेरी गुड फहीम, शिवम, रमिता, धर्मशीला, वर्षा, आशु, फहीम, तैयबा, डार्विन फिंचेज एंड मार्सुपियल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स में विद रेस्पेक्ट टू प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन सर, कौन सा इवोल्यूशन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है आपको यहाँ पर, इवोल्यूशन के बारे में, स्लो एंड रैंडम,
बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर सिक्स का जवाब फटाफट से, आपको पता है आपको आंसर कैसे करना है। वेरी गुड वेरी गुड रमिता, तैबा, संस्कार, आशु, शाबाश भाई, वेरी 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 गुड, बिल्कुल सही जवाब करना है आपको। यहाँ पर क्या करोगे सही जवाब? ओके सर कर देंगे सही जवाब, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड रमिता, तैबा, संस्कार, आशु, धर्मशीला, फहीम, शिवम, शिवम भाई सही करो। सडन, एब्रप्ट, रैंडम एंड नॉन डायरेक्शनल इन ह्यूमन इवोल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड लैंग्वेज इन एग्जाम्पल ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड लैंग्वेज इन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बींग में किसका एग्जाम्पल है ये? ब्रेन और लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ सर, किसका है ये एग्जाम्पल? बता दो ना मुझे, जल्दी से बता दो। और जो भी स्टूडेंट लाइव है वीडियो को लाइक करना तो भूलेंगे नहीं, जल्दी से लाइक करो, 50 प्लस लाइक्स का टारगेट हमारा है, अचीव नहीं कर पा रहे आजकल हम। क्या वजह हुई इसकी, क्या रीजन हुआ इसका कि भाई हम अचीव नहीं कर पाते आजकल इस टारगेट को? क्या है इसका जवाब, क्या है इसका जवाब हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन का, क्या किसने का? वेरी 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 गुड, धर्मशीला, संस्कार, आशु, शिवम, रमिता। भाई शिवम क्या करो, अपने यूट्यूब का रेजोल्यूशन बढ़ा लो, राइट हैंड साइड पर तुम्हें तीन डॉट मिलेंगे, वहां पर क्लिक करो और रिजोल्यूशन को भाई ऑटो की जगह ऑटो कर लो या 420 कर लो। फोर क्या होता है, 480 होता है, कितना होता है? यस यस यस, जितना ही होता है वो कर लो, 360 कर लो, जो करना है कर लो। सेवन का आंसर, वेरी गुड। यस फहीम, रमिता, शिवम, आशु, संस्कार, धर्मशीला, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पैरेलल इवोल्यूशन था हमारा ये। मैच करेक्टली द वर्क प्लेस ऑफ द बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ, ओपन इन इंडिया, जेबीएस एल्डन रसिया, चार्ल्स डार्विन, मैरी आर्ची प्लेगो और अल्फ्रेड वेलेस इंग्लैंड। मैच करना है आपको, फर्स्ट का ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, डी जाएगा। अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर एट भी, मैच करना है। ओपेरेन कहाँ से थे, ओपेरेन साहब कहाँ से थे? फिर हमारे चार्ल्स डार्विन साहब कहाँ से थे? जेबीएस हेल्डन साहब कहाँ से थे? करो उसका जवाब क्वेश्चन नंबर एट का, क्वेश्चन नंबर एट का करो जवाब जल्दी से। फटाफट से कर दे भाई जवाब, क्या जाना चाहिए सर इसका जवाब क्वेश्चन नंबर एट का, क्या जाना चाहिए जवाब बताओ फटाफट इसका आंसर। कौन कौन सही कर रहा है जवाब इसका देखते हैं अभी। ओपेरिन कहाँ के थे? यस हेल्डन कहाँ के थे? उसके बाद चार्ल्स डार्विन कहाँ के थे? और सर अल्फ्रेड वेलेस कहाँ के थे? बता चुके आंसर इसका। ओके चलो फहीम वेरी गुड, संस्कार वेरी गुड, आशु, शिवम। देखो यहाँ पर हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो ओपेरिन थे ये रशिया के थे, तो फर्स्ट में बी कहाँ दे रखा है, एक ही ऑप्शन है, हो जाएगा इसी से ये। और जेबीए शेल्डन साहब कहाँ के थे? इंडिया के थे। सेकंड में ए बी सी ऑप्शन में था बस। थर्ड में देखो चार्ल्स डार्विन हमारे इंग्लैंड के थे, और जो वेलेस साहब थे हमारे ये कहाँ के थे? मेलाई आर्चिप्लेगियो कोई आइलैंड होगा वहां के थे ये। आया समझ में? आपको ये याद रखना है कि जो जेबीए शेल्डन साहब थे वो इंडिया के थे, ठीक है, ये याद रखना है आपको बस। पोलैंड ट्यूब, रोजियसी, पोलैंड बैंक, पार्थिनियम, यहाँ पर आपको करेक्ट मैच करना है। मैच वाले क्वेश्चन काफी आते हैं नीट एग्जाम में, इसलिए हमें यहाँ पर भाई मैच वाले क्वेश्चन पर काफी फोकस करना है। बताओ जल्दी इसका जवाब क्वेश्चन नंबर नाइन का, क्वेश्चन नंबर नाइन का बता दो जल्दी से मुझे सही जवाब, क्या जाना चाहिए सर क्वेश्चन नंबर नाइन का जवाब फटाफट से बताओ भाई। पोलैंड टेबलेट, रोजियसी, पोलैंड बैंक, पार्थिनियम, फटाफट से करो इसका जवाब। हाँ भाई सही कह रहे हो तुम, इंग्लैंड के थे वो, लेकिन उन्होंने जो भी अपने काम किया था इंडिया आकर ही किया था, ठीक है, वो समय याद करो, वो समय सर हमारा कब का था,
वो भाई इंडिया में ही उनकी सिटीजनशिप इंडियन भी है, ठीक है, दो सिटीजनशिप है उनके पास। हेल्डन साहब के पास वो पैदा इंग्लैंड में हुए थे, लेकिन उनके पास दो सिटीजनशिप है, कौन कौन सी, इंडिया और इंग्लैंड की, ठीक है। ओके ना धर्मशिला जी, पोलन ट्यूब फूड सप्लीमेंट एम ए थर्ड। चलो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। पोलन बैंक में -196 सी में फोर, सी में फोर, चलो ये सही हुआ, सी में फोर, ये गलत हो गया, बचा ये सर। तो रोज ये सी तुम्हारा क्या जाएगा, पोलन वायबल फॉर मंथ और पार्थिनियम एलर्जी करता है। नाइन का आंसर क्या गया यहाँ पर, वेरी गुड, नाइन का आंसर ऑप्शन सी गया, शाबाश। हेलो अंसारी जी, इरफान अंसारी जी, रमिता, तैबा, फहीम, शिवम, करते रहो भाई सही आंसर। अगला सवाल बताओ, फ्यू इवेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म आर शोन इन द फिगर गिवन बिलो, अरेंज द डायग्राम इन प्रोग्रेसिव ऑर्डर एंड ऑफ देयर अकरेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको यहाँ पर, जल्दी बताओ मुझे क्या है इसका करेक्ट आंसर। क्या इसका करेक्ट आंसर है सर, फटाफट से बता दो मुझे क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बता देंगे सभी फ्यूचर डॉक्टर फटाफट से। ओके सर, ओके ओके ओके, करो भाई करेक्ट आंसर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 का, 9 का स्क्रीनशॉट लेना है, ये लो, ये रहा क्वेश्चन, लो स्क्रीन शॉट इसका, जल्दी से स्क्रीन शॉट लेना है, जल्दी लो स्क्रीन शॉट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ले चुके हो स्क्रीन शॉट, वेरी गुड, फिर वेरी 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 गुड, शाबाश, काफी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, फ्यू इवेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट आर शोन इन द फलाना ढिकाना, कर इसका जवाब जल्दी से मुझे, फटाफट से कर दोगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब करना है आप सभी को। क्वेश्चन पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, यही तो बताना है, पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, 10 का आप क्या कर रहे हो, वेरी 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 गुड, यस आशु, देन फहीम, संस्कार, रमिता, पूजा, धर्मशीला, तैयबा, शिवम, यस सर, ऑप्शन बी फर्स्ट, उसके बाद फिफ्थ आएगा सर, फिर सेकंड देखो यहाँ पर, फिर तुम्हारा आएगा फोर्थ, फिर थर्ड। हाउ मेनी पार्ट इन द लिस्ट गिवन बिलो आर रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल से क्या क्या रिलेटेड है आपका यहाँ पर, कितने पार्ट रिलेटेड है ओव्यूल से, ये क्वेश्चन कर दो, 11, कौन कौन से हैं वो तुम्हारे, वो बताओ जल्दी से, कौन कौन से हैं भाई हमारे, बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सर क्वेश्चन नंबर 11। और कौन कौन से हैं ये भी तुम ही बताओगे मुझे, कौन कौन से हैं, साथ लग रहा है किसी को, साथ कौन कौन से लग गए भाई, चलो देखते हैं। ये तुम्हारा स्टोमियम किसका पार्ट होता है भाई, ये तुम्हारा ओव्यूल का नहीं होगा, पोलन का होगा, एंथर का होगा, ये भी एंथर का हो गया, ये भी एंथर का हो गया, टेबिटम भी एंथर का हो गया, बच्चे चला जा, एम्ब्रियोसेक, रेफे, माइक्रोपाइल, ल्यूसिलस, 1 2 3 4 5, पांच तुम्हारे ओव्यूल के हैं यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारा शानदार सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कर भी दिया आपने, काफी स्टूडेंट ने सही आंसर कर भी दिया इसका, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, क्वेश्चन नंबर 12, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, ओके सर ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहना चाह रहा है, फॉर द डिस्चार्ज ऑफ बोथ मेल गैमेट पोलन ट्यूब एंटर इन टू एम्ब्रियोसेक थ्रू, पोलन ट्यूब तुम्हारी किसके थ्रू एंटर करेगी, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब। बताओ जल्दी से क्या है सही जवाब 12 का, बता चुके हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बताया जल्दी बताओ।
किसके थ्रू कर रहा है एंटर 12 में। ओके ओके ओके, देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया इसका, कितने फ्यूचर डॉक्टर ने सही जवाब दिया भाई। यस सर, वेरी गुड। धर्मशीला, तैयबा, रमिता, आशु, फहीम, शिवम, अंगड़ा, ऑप्शन डी डीजनरेटिंग सिनर्जिड। हैप्लोइड एग से हैप्लोइड एम्ब्रियो बन जा रहा है, हैप्लोइड एग से हैप्लोइड एम्ब्रियो बन जा रहा है, ये कैसी प्रोसेस है, ये कैसी प्रोसेस है, ये तुम्हारी हनी बी में भी मिलती है भाई, कैसी है ये प्रोसेस। ये सर हमारी हनी बी में मिलती है, बताओ भाई कैसी प्रोसेस है ये। क्वेश्चन नंबर 13, एपोगेमी है क्या? अरे एम्ब्रियो सेक के से थोड़ी बन रहा है ये, हैप्लोइड एग से बन जा रहा है सीधा, एरिनोटोकी याद करो, एरिनोटोकी। बोर्ड यहाँ आपको दिख रहा है, विकास जहांगीर लाइव सभी को दिख रहा है। हैप्लोइड एग से हैप्लोइड एम्ब्रियो बन जाना, इसे बोलते हैं क्या? वेरी 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 गुड, यस। काफी कम बच्चे सही आंसर कर पा रहे हैं इसका। ऑप्शन थर्ड, यस तैयबा, पूजा, ओंगड़ा, रमिता। यस सर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। हनी बी में किस टाइप का मिलता है ये? हनी बी में सर मिलता है एरिनोटोकी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहना चाह रहा है? हाउ मेनी ऑफ दीज इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड। कौन से आपके यहाँ पर एंडोस्पर्मिक सीड नहीं है भाई? नॉट एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्मिक सीड कौन कौन से ये, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, कौन कौन से आपके एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पर? 14 का जवाब, 14 का सही जवाब क्या करोगे? बताओ भाई जल्दी से, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? फोर्टीन, नॉट एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्मिंग सीड, मतलब कि आपको यहां पर क्या बताना है? नॉन एंडोस्पर्मिंग बताना है, कौन तुम्हारा नॉन एंडोस्पर्मिंग है? बताओ जल्दी से, क्वेश्चन ग्राम पी बीन कौन कौन सा लग रहा है तुम्हें? ग्राम तुम्हारा क्या होता है भाई? डाइकोट हो गया, नॉन एंडोस्पर्मिक। ओके, एक ये हो गया, दूसरा कौन सा हमारा? पी पी बी हमारा क्या हो गया? नॉन एंडोस्पर्मिक, पी बीन नॉन एंडोस्पर्मिक, ग्राउंड नट नॉन एंडोस्पर्मिक, और कौन तुम्हारा नॉन एंडोस्पर्मिक यहाँ पर? ऑर्चिड, ऑर्चिड भी तुम्हारा क्या होता है? नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। बाकी ये बार्ले, मेज, वीट, राइस, कोकोनट सारे तुम्हारे क्या है? एंडोस्पर्मिक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। किसी को दिक्कत इसमें? 14 का ये आंसर है। किसी ने किया था क्या ये? नहीं, किसी ने नहीं किया था ये। अगला सवाल, फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट बन जा रहा है तुम्हारा विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको क्या बोलोगे? क्वेश्चन नंबर 15, इसको क्या बोलते हो? फिफ्टीन का जवाब, फिफ्टीन का सही जवाब बताओ क्या है इसका मतलब सर? फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसका तो कर सकते हो अब, 15 तो काफी आसान है। यस रमिता, यस आशु, यस शिवम, वेरी गुड सर। क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा पार्थिनो कार्पी। बेटी टॉक्सिन जीन आर आइसोलेटेड फ्रॉम बेसिलस थुरिंजेंसिस एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द क्रॉप प्लांट मेकिंग देम इंसेक्टिसाइडल। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन, ये तुम्हारा कौन सा जीन हमें कब यूज करना है, क्या यूज करना है, ये किस पर डिपेंड करता है मेनली? वेरी गुड शिवम, धर्मशीला, पूजा, यादव, इसका करो जवाब आप। क्वेश्चन नंबर किसका? ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 सर, इसका करो जवाब जल्दी से। क्रॉप प्लांट ओनली, टारगेटेड पेस्ट ओनली, बोथ वन एंड टू, या फिर नाइदर क्रॉप प्लांट और नॉर टारगेट पेस्ट, क्या है इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 17 का?
वेरी गुड रमिता, वेरी गुड आशु। और कौन करना चाह रहा है इसका सही जवाब भाई? वेरी 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 गुड। और कौन करना चाह रहा है इस क्वेश्चन का सही जवाब? बता दो जल्दी से मुझे, जो भी इसका सही जवाब करना चाह रहा है बता दो जल्दी से भाई। 17 का, यस सर। प्रो प्लांट पर और तुम्हारे टारगेट पेस्ट दोनों पर ही डिपेंड करता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड चेन इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन? काफी आसान सवाल, कौन सी पेप्टाइड चेन आपके मैच्योर इंसुलिन में नहीं मिलती है? ए सी, ए बी या सी? कौन सी नहीं मिलती है भाई, या बी? क्या इसका जवाब? विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन? नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या जाएगा भाई? क्या करोगे सही जवाब क्वेश्चन नंबर 18 का सर? ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड, या फिर बोथ ए एंड बी पेप्टाइड? मैच्योर इंसुलिन में आपके, वेरी गुड, यस सी सर, वेरी गुड पूजा। यहाँ पर आपके सी पेप्टाइड नहीं देखने को मिलेगी। ए और बी तुम्हारी किससे कनेक्ट रहती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड चेन इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन? ऑप्शन सी करेक्ट इसका, ये क्यों रिपीट हुआ? पीसीआर टेक्निक विच स्टेट रिक्वायर थर्मोस्टेबल एंजाइम? कौन सी स्टेप में हमें थर्मोस्टेबल एंजाइम की जरूरत पड़ती है? क्वेश्चन नंबर 19। ओके शहाबुद्दीन, शिवम, तैबा, रमिता, पूजा, आशु, धर्मशीला, वेरी गुड। अब इसका करो जवाब क्वेश्चन नंबर 19 का। 19 का क्या करोगे जवाब, सही जवाब क्या करोगे यहाँ पर? बता दो जल्दी से बता दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कब होती है ये? क्वेश्चन नंबर 19 का, यस सर, जहां पर हमें डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है, किसमें? एक्सटेंशन में। वेरी गुड धर्मशीला, आशु, देन शिवम, पूजा, रमिता, तैबा, साहबुद्दीन, सही आंसर ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच? अदा की कमी से क्या होगा? इम्फाइसेमा को किससे ट्रीट करोगे? इंसुलिन किसमें देते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस किसकी वजह से है? आसान सवाल है ये। अदा तुम्हारा स्किड में होता है सर, स्किड तुम्हारा अदा की कमी से होता है। इसका इलाज क्या है? इम्फाइसेमा का क्या इलाज है? अगर दिख नहीं रहा हो तो अपने फोन को थोड़ा टिल्ट करो और क्या करो, सही आंसर करो। स्किड, सीवियर कंबाइन इम्यून डिफिशियंसी तुम्हारा एडेनोसिन डीएमएनएज की कमी से होता है, अदा की कमी। इसमें क्या करते हैं हम, ए में क्या करेंगे? वेरी गुड, बोन मेरो ट्रांसप्लांट। इम्फाइसेमा में क्या देते हैं? अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, इंसुलिन, डायबिटीज मेलाइटस, इंसेक्ट तुम्हारा क्राइजीन। ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी थर्ड, डी फोर। ओके ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। यस सर, तैयबा, साहबुद्दीन, रमिता, आशु, शिवम, धर्मशिला, रमिता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब? थोड़ा बड़ा हो गया, ध्यान से पढ़ो इसे। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा बड़ा सा हो गया है, ध्यान से पढ़ेंगे इसे। क्या है इसका सही जवाब भाई? क्या इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन होमोलोगस होस्ट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन? एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन एक्सप्रेस इन होमोलोगस, नहीं हेटरोलोगस। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस मिल्क विच वाज ह्यूमन अल्फा? लैक्ट एल्बुमिन, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, नॉट एंटीट्रिप्सिन। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आइसोलेशन नहीं, कटिंग में काम आएगा। सही क्या बचा? ऑप्शन बी, 21 का ऑप्शन बी सही है बस। वेरी गुड शिवम, वेरी गुड आशु, यस रमिता, करो सही आंसर। आया समझ में? क्यों इसका आंसर तुम्हारा ऑप्शन बी गया? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिथाइलेज एंजाइम इन इकोलाई? इकोलाई में तुम्हारे मिथाइलेज एंजाइम का क्या फंक्शन होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब, क्या फंक्शन है हमारे मिथाइलेज एंजाइम का भाई? करो उसका सही जवाब जल्दी से। बता दो आंसर, बता दो भाई सही से आंसर। क्या जाना चाहिए सर इसका आंसर 22 का? क्या जाना चाहिए सर इसका आंसर, फटाफट से बता दी जाए भाई ये बात। ओके सर बता देंगे, बता दोगे तो काफी अच्छी बात है, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है सर। बायोलॉजी फुल सिलेबस टेस्ट हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि तुम्हारे नीट की तैयारी में काफी काम आने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 22। यस रमिता, वेरी गुड, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो तुम इसको, सही कर रहे हो गलत कर रहे हो 22 को। देखते हैं अभी, देखते हैं क्या करना चाह रहे हो तुम इसका आंसर। मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है बैक्टीरियोफाज डीएनए नहीं बैक्टीरिया में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके नोट ए। यहां पर मुझे बताओ, चलो यहां पर देखो सी सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ए है, सबसे छोटा बी है, ये साइज का ऑर्डर तुम्हारा है। अब ये जेड इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहा है, यहाँ पर ये एनोड है तुम्हारा, एनोड की तरफ कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा यही तुम्हें बताना है। 23 का आंसर यही आप लोगों को बताना है इसका आंसर, जल्दी से बताओ कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा यहाँ पर। फटाफट से कर दो आंसर, जल्दी से क्या जाना चाहिए। एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव लाइव नाउ सर, लाइव है तुम्हारे, ये करो इसका सही जवाब, सही जवाब करके बताओगे मुझे सही है सर, बिल्कुल सही है। ओके सर 23 का किस किस ने क्या क्या आंसर किया है देख लेते हैं एक बार, फिर गलत कर रहे हो तुम। देखो यहाँ पर बी सबसे छोटा है तो सबसे आगे आएगा ये, उसके बाद कौन आएगा सर, उसके बाद कौन आना चाहिए हमारा बताओ जल्दी से। बी सबसे आगे, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद हमारा आएगा सर ए, उसके बाद सी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 20 का, आया समझ में, बी करेक्ट आंसर, वेरी गुड। यस आशु, यस तैबा, यस पूजा यादव, वेरी गुड। साइज देखो, जिसकी साइज ज्यादा होगी वो क्या होगा, सेविंग इफेक्ट होता है ना, तो तुम्हें पता है कि तुम जिसकी साइज छोटी होगी वही तो आगे आएगा ना, उसी के ऊपर चार्ज ज्यादा लगेगा, वही भागा भागा जल्दी जल्दी आता जाएगा आगे। अच्छा क्वेश्चन है ये 23, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साइज का ऑर्डर है और ये जो तुम्हारा चलने का ऑर्डर है सेविंग इफेक्ट तुम्हारा साइज के अपोजिट होता है। यस थमशिला, 23 के बाद 24, कौन सा तुम्हारा रेस्ट्रिक्स एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट है, याद करोगे इसे, मोस्ट कॉमनली यही मिलती है तुम्हारी, मोस्ट कॉमनली यही मिलती है, कौन सी है ये, मोस्ट कॉमनली यही मिलती है सर बताओ कौन सी है ये, फटाफट से बताओ। बता दिया है सर, बता दिया है, बता दिया है, तो वेरी गुड। क्या है इसका आंसर, आंसर जानना मेरा फर्ज है। ओके सर क्या गया इसका आंसर 24 का, 24 का तुम्हारा आंसर है ऑप्शन डी सर, ये भी होती है लेकिन मोस्ट कॉमन ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये क्या रिपीट हुआ है क्या, वन मिनट आगे बढ़ते हैं चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब, चारों में से कौन तुम्हारा करेक्टली डिस्क्राइब नहीं है, क्वेश्चन नंबर 26, कौन करेक्टली डिस्क्राइब नहीं है। हेलो सौम्या, यस रोशन, नपीसा, ये कुछ नए स्टूडेंट ऐड हुए हैं। कर दो इसका जवाब जल्दी से भाई 26 का। ओके ओके ओके, वेक्टर 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 एबल टू कैरी फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल, बिल्कुल सही बात। इसके बाद क्या है हमारा, जीन गन टेक्निक विच इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू होस्ट सेल बाय डीएनए, ये जीन गन का यूज करते हैं प्लांट में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट थ्रू ए जेल वेन सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गलत है, डिग्रेड नहीं करेगा भाई छोटे छोटे पार्टिकल में, नहीं तो किसी काम का नहीं रह जाएगा प्लाज्मिड, उसी जगह से काटता है बस जहां पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा सके हम। वेरी गुड रोशन ने, नपीसा ने, मनीषा ने, सौम्या ने, सोफिकुल, रमिता, तैबा ने बिल्कुल सही आंसर दिया था इसका। यहाँ पर मुझे बताओ ये तुम्हारा किसका ग्राफ है 27, स्पेसिस रिचनेस एंड एरिया टर्न्स टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑन ए लॉग स्केल। देखो ये तुम्हारा नॉर्मली क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन लॉग स्केल पर तुम्हारा क्या होता है स्ट्रेट लाइन, एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है तुम्हारा। तो यहाँ पर तुम्हारा बताओ कहाँ पर स्लोप तुम्हारा ज्यादा स्टीपर होगा,
कहाँ पर स्लीप स्पेसिफिक एरिया रिचनेस ज्यादा होगी, स्पेसिफिकनेस पर यूनिट एरिया कहाँ पर ज्यादा होती है, यही पूछना चाह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 27, इसका मतलब यही हुआ ना, एरिया कम लेकिन अगर ज्यादा ज्यादा स्टीप है, इसका मतलब क्या, स्पेसिफिक एरिया ज्यादा, स्पेसिफिक रिचनेस ज्यादा, किसके पास होता है ये ताकत, किसके पास, किसका कैरेक्टरिस्टिक है ये। 27 का जवाब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वेरी गुड आशु, पूजा, रमिता, देन रोशन, तैयबा, वेरी सही आंसर इसका भाई, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगला सवाल मेरा 28, सेलेक्ट दी करेक्ट मैच, यहाँ पर क्या करेक्ट मैच है। 28 का जवाब, अभी अभी जब मैं प्लस पे क्लास ले रहा था, प्लस पे नहीं सॉरी स्पेशल क्लास जब मैं ले रहा था ना अकेडमी लर्नर ऐप पर, तो वहां भी मैंने आपको ये बात बताई थी ना, कुछ तो बोला था मैंने वहां पर, अगर मेरी क्लास में हो गए तो तुम्हें पता होगा, पता है नहीं है, पता पता है सर, पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो पता चल जाना चाहिए, क्या सही लग रहा है आपको यहाँ पर, क्या सही लग रहा है सर हमें यहाँ पर, वेरी गुड, ऑप्शन ए, यस यस रोशन, रमिता, सौम्य, आशु, आंट के हमारे पास, ये क्या हुआ भाई, इतना आगे कैसे बढ़ गए हम, हमें तो ये आंसर करना था, आंट के हमारे पास 20,000 स्पेसीज है। Which of the following will not result in loss of biodiversity? Not result in loss of biodiversity. Question number 29. Hello, Napisa, Sabnam Bano, Ramita, Karas ka jawab 29 ka. जवाब सर क्या गया सर, इसका जवाब क्या किया हमने, इसका जवाब नोट रिजल्ट इन लॉस ऑफ ओवर एक्सप्लोइटेशन, ओवर एक्सप्लोइटेशन, चलो ओवर एक्सप्लोइटेशन कहा गया मेरा, ये रहा इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज, कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन, ये सही है, इसको करने से कोई नुकसान नहीं होगा बायोडाइवर्सिटी का, इससे तो फायदा ही है, यस यस तैयबा, रोशन, गुंजन, सबनम, रमिता, आशु, सौफिकुल, नपीसा, पूजा यादव, इन्होंने सही किया था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 भाई, विच वन इज ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिटेट एंड पर्टिकुलर एनिमल, ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिटेट एंड पर्टिकुलर एनिमल, कौन सा है आपका ये ऑड कॉम्बिनेशन सर। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब, सुंदरबन, बंगाल टाइगर सही है क्या ये, पेरियार एलिफेंट, ये सही है, रन ऑफ कच्छ, वाइल्ड एशियाटिक वाइल्ड एश, सही बिल्कुल है, डाचिंगन नेशनल पार्क तुम्हारा स्नो लेपर्ड, क्या गलत लग रहा है 30 में आपको, 30 का बी कर रहे हो आप लोग, आर यू श्योर, पेरियार में तो एलिफेंट मिलते हैं ना, डाचिंगम नेशनल पार्क में क्या मिलता है सर, गलत कर रहे हो भाई, गलत कर रहे हो, सोचो एक बार, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, किसके लिए फेमस है ये, किसके लिए फेमस है यहाँ, स्नो लेपर्ड नहीं मिलेगा ये, किसके लिए फेमस है कैरेक्टरिस्टिकली देखा जाए तो, ऑप्शन भी गलत है जो आप सभी ने किया, काफी बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन बी किया, ये कश्मीर में है भाई तुम्हारा, और ये सर हंगोल, और कश्मीरी स्टेक के लिए फेमस है, तो ये सब आपको याद रखने हैं, एमटीआर करने हैं, इंपॉर्टेंट है सारे, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इनसे, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आ गया समझ में ना, यस सर आ गया समझ में, नहीं करेंगे गलती आप, चलो भाई आज के लिए इतना ही, ओके ना, आज के लिए इतना ही सर, कल हम यहाँ पर देखो वापस से क्लास 11th की बायोलॉजी पर आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट डिस्कस करेंगे 6 बजे, अनअकैडमी लर्नर पर जेनेटिक्स में जिसको दिक्कत हो वो आ सकता है, फ्री क्लास होगी, स्पेशल क्लास, रेफरल कोड यूज करोगे क्या,
फ्री प्लान कोड यूज करना है तो मैं बस विकास जाएंगे लाइव 12 बजे होगी क्लास कल तुम्हारी वहां पर। और जो भी स्टूडेंट लाइव है अभी जो वीडियो को लाइक करते हुए जाना भाई, ठीक है ना, वीडियो को लाइक करते हुए जाएंगे सर। बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट, कल शाम को 6 बजे ट्रांसपोर्टिंग प्लान डिस्कस करेंगे। बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर।